यूपी और उत्तराखंड की खबरों के लिए एबीपी गंगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। प्रतापगढ़ के मानिकपुर थाना क्षेत्र के देशराज इनारा में बड़ा सड़क हादसा। बारात से लौट रही बोलेरो अनियंत्रित होकर खड़े ट्रक में घुसी, ड्राइवर को झपकी आने से हादसा होने का अंदेशा जताया जा रहा। भीषण सड़क हादसे में 14 बारातियों की मौत हो गई। इस हादसे का शिकार हुए 14 लोगों में से 6 नाबालिग हैं। सभी बाराती शेखपुर गांव में शादी समारोह में शामिल होकर घर वापस लौट रहे थे। हादसे की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने बोलेरो गाड़ी को गैस कटर से काटकर सभी 14 लोगों के शव को बाहर निकाला। पुलिस को रेस्क्यू करने में तकरीबन 2 घंटे का वक्त लग गया। प्रतापगढ़ में हुए सड़क हादसे पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने दुख जताया। उन्होंने वरिष्ठ अधिकारियों को तत्काल मौके पर पहुंचकर पीड़ितों की हर संभव मदद करने के निर्देश दिए। मुरादाबाद में कॉस्मेटिक की दुकान में आग लगने से हड़कंप। दमकल विभाग की टीम ने आग पर पाया काबू। आग लगने का कारण पता नहीं चल पाया। कुंदरकी थाना इलाके की घटना, आग से लाखों का सामान जलकर राख। कानपुर के झकरकटी बस स्टैंड के पास रोडवेज बस का ब्रेक फेल होने से हादसा। बस ने 4 यात्रियों को कुचला, 1 की हुई मौत, घायल 3 यात्रियों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। मैनपुरी के थाना बेवर क्षेत्र में तेज रफ्तार ट्रक ने साइकिल सवार को रौंद दिया, जिससे साइकिल सवार ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। पुलिस ने मृतक किसान के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वक्त की संपत्तियों की खरीद फरोख्त में गड़बड़ी पर एफआईआर। सीबीआई ने दर्ज की 2 एफआईआर। शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के चेयरमैन रहे वसीम रिजवी पर 2 एफआईआर। प्रयागराज और कानपुर में जमीनों की खरीद फरोख्त में मुकदमा। सांसद रीता बहुगुणा जोशी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी। बीजेपी नेता राज बब्बर, प्रदीप जैन समेत 9 लोगों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट। 5 साल पहले हजरतगंज में कांग्रेस के हिंसक प्रदर्शन मामले में एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट ने जारी किया वारंट। बसपा सुप्रीमो मायावती के पिता प्रभु दयाल का 95 साल की उम्र में गुरुवार को निधन हो गया। वो अपने परिवार के साथ दिल्ली के रकाबगंज इलाके में रहते थे। एटा में भाजपा नेता पर दबंगई का आरोप। वकील ने नेता पर लगाया मकान कब्जे का आरोप। सत्ता के रसूख के चलते मकान कब्जे का आरोप। विरोध में वकील ने 17 दिनों तक दिया धरना। पुलिस प्रशासन ने वकील को समझाकर हटवाया धरना प्रदर्शन। पीलीभीत के माला रेंज क्षेत्र में कार सवार का तेंदुए ने रोका रास्ता। सड़क पार कर खेत में जाकर बैठा तेंदुआ, लोगों ने वीडियो बनाकर किया वायरल। तेंदुए की चहलकदमी से इलाके में दहशत। मुरादाबाद के मझोला थाना इलाके में बदमाशों ने एक घर में घुसकर परिजनों को रस्सियों से बांधकर लाखों रुपए की ज्वेलरी और 1 लाख से ज्यादा कैश लूट लिए। बदमाशों ने परिवार की महिला को हथौड़े से मारकर घायल कर दिया। पुलिस ने घायल को जिला अस्पताल में भर्ती कराया। नाली के विवाद में गांव में 2 पक्षों में संघर्ष, 1 दर्जन से ज्यादा लोग घायल। भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचा। सरधना के पिटलोकर गांव में सड़क पर पानी भराव को लेकर हुआ था विवाद। मऊ के मुजरा बुजुर्ग गांव में जमीन विवाद में पड़ोसियों के बीच मारपीट, महिला को लाठियों से पीटने का वीडियो हुआ वायरल। मामला दर्ज कर कार्रवाई में जुटी पुलिस। बागपत के यमुना खादर में हरियाणा और यूपी के किसान आमने सामने। निवाड़ा गांव के किसानों की फसल पर चला ट्रैक्टर। हरियाणा के किसान अपने 2 ट्रैक्टर भी यमुना नदी में छोड़ भागे। संभल में आंगनबाड़ी वर्कर ने जहर खाकर जान देने की कोशिश की। राशन वितरण में ग्राम प्रधान पति की मनमानी से थी परेशान, महिला की हालत नाजुक। नोएडा के सेक्टर 6 में पुलिस के खिलाफ अधिवक्ताओं ने की नारेबाजी। पुलिस कर्मियों को न्यायालय परिसर से बाहर निकालकर सभी गेटों पर जड़ा ताला। सहायक पुलिस आयुक्त की अधिवक्ता से कथित बदसलूकी से अधिवक्ताओं में गुस्सा। भजन गायिका से बदसलूकी का मामला। बरेली के अलीगंज के ज्ञानी चौकी इंचार्ज पर कथित रूप से शराब के नशे में गाली गलौज का आरोप। गायिका खुशबू शांडिल्य ने कहा कार्यक्रम का समय खत्म होने के बाद भी फरमाइशी गाने का बनाया गया दबाव। मना करने पर जेल भेजने की दी धमकी।
अयोध्या में सपा का डेलीगेशन गैंग ने पीड़ित के घर पहुंचा, पीड़ित परिवार की लड़ाई में साथ देने का वादा किया, साथ ही सरकार को जमकर कोसा। मुजफ्फरनगर में शराब दुकानों पर औचक छापेमारी से मचा हड़कंप, पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में आबकारी विभाग ने चलाया जबरदस्त चेकिंग अभियान, सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क न पहनने पर पुलिस अधीक्षक ने काटे चालान। औरैया के अजीत मल के ब्लॉक रोड पर भू माफियाओं से खाली कराई गई सरकारी तालाब की जमीन, करोड़ों की सरकारी जमीन पर सालों से अस्थायी मकान बनाकर रह रहे थे लोग, उप जिला अधिकारी ने तहसीलदार और पुलिस फोर्स के साथ अवैध अतिक्रमण पर चलवाया बुलडोजर। मुरादाबाद में कक्षा 8 में पढ़ने वाली 16 साल की छात्रा ने छेड़छाड़ से परेशान होकर लगाई फांसी, छात्रा के परिजनों का आरोप, मोहल्ले में ही रहने वाला छोटू नाम का युवक पिछले एक साल से उनकी बेटी को कर रहा था परेशान, परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी नाबालिग किशोर को हिरासत में लिया। लूट के माल की रिकवरी के दौरान मेरठ में दारोगा की पिस्टल छीनकर भागा 50,000 का इनामी बदमाश कपिल, मुठभेड़ में हुआ जख्मी, मेडिकल थाना क्षेत्र के जागृति बिहार में डकैती और अमन हत्याकांड में शामिल था आरोपी, पुलिस कस्टडी से फरार होने की कर रहा था कोशिश। औरैया में हफ्ते भर से लापता चल रही 7 साल की मासूम बच्ची का शव मिला, परिजनों ने कपड़ों से बच्ची की शिनाख्त की, परिजनों के शक के आधार पर पुलिस ने 3 संदिग्धों को हिरासत में लिया, बाकी सदस्यों की तलाश जारी। जालौन के डाकौर कोतवाली क्षेत्र में घर में घुसकर युवक को मारी गोली, रंजिश में ली युवक की जान, परिजनों ने गांव के 3 लोगों पर लगाया हत्या का आरोप, शव को कब्जे में लेकर जांच में जुटी पुलिस। अमरोहा में चल रहे अवैध प्लॉटिंग पर जिला प्रशासन का चला बुलडोजर, अवैध प्लॉटिंग कर रहे भू माफियाओं पर ज्वाइंट मजिस्ट्रेट ने सख्त कार्रवाई करते हुए शहर में जगह जगह चल रही अवैध प्लॉटिंग पर जेसीबी चलाई, 40 बीघा जमीन कब्जे में। फरुखाबाद में पोस्टमार्टम के लिए ली जा रही है 800 रुपए की रिश्वत, रिश्वत लेते वीडियो वायरल, वीडियो पर कोई भी स्वास्थ्य अधिकारी बोलने को तैयार नहीं। नोएडा में भी लव जिहाद का मामला आया सामने, सेक्टर 20 थाने में लड़की ने नाम बदलकर धोखा देने, जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराने और यौन शोषण किए जाने का दर्ज कराया केस, आरोपी साहिल खान पर अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी देने और 25 लाख रुपए मांगने का भी आरोप। अयोध्या जेल में 2 हादसों से जेल प्रशासन में हड़कंप, एक कैदी की संदिग्ध मौत, दूसरे ने खाया आपत्तिजनक पदार्थ। संभल में हत्या के बाद आत्महत्या का मामला, प्रेमी ने प्रेमिका की हत्या के बाद खुद को भी मारी गोली, जांच में जुटी पुलिस। पौड़ी में एडवेंचर स्पोर्ट्स फेस्टिवल की शुरुआत, सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने किया शुभारंभ, फेस्टिवल में 13 राज्यों के प्रतिभागी ले रहे हैं हिस्सा। कॉर्बेट में थर्मल कैमरे के जरिए रखी जाएगी शिकारियों पर नजर, यूपी से लगती सीमा पर बनी रहती है घुसपैठ की आशंका, वन्य जीवों का शिकार करने की फिराक में रहते हैं शिकारी। मसूरी में 20 नवंबर को 3 दिनों तक चलने वाली वैली ऑफ वर्ड्स कार्यक्रम का वर्चुअल आयोजन होगा, इस वर्चुअल उत्सव का उद्घाटन बौद्ध धर्मगुरु दलाई लामा करेंगे, कार्यक्रम में उद्घाटन में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी शिरकत करेंगे।